कंसिडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फिगेशन है कुछ आर्बिट्री है। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए नल पॉइंट। नल पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कोई आर्बिट्री कॉन्फिगेशन है, उसमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और एक टेस्ट चार्ज को वहाँ पर रखा गया। शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। कह रहे हैं कि टेस्ट चार्ज की जो इक्विलिब्रियम है वो नेसेसरी क्या होनी चाहिए, अनस्टेबल ही होनी चाहिए। तो स्टेबल कैसे बनाई जा सकती है, टेस्ट चार्ज की स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बनाई जा सकती है। जैसे कि मान लिया, ये मान लिया अगर आपका, ये मान लिया आपका नल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वो आप ये चाहते हो कि वो स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे, ठीक। तो स्टेबल कैसे बन सकती है कि सभी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसी तरफ होनी चाहिए, इनवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो। मतलब अगर टेस्ट चार्ज कहीं भी इधर उधर मूव करने की सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस उसी पॉइंट पे पहुंचा दे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बनाया ये है स्टेबल स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। टेस्ट चार्ज की ये जो पोजीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है, क्योंकि अब इस टेस्ट चार्ज का मतलब होता है प्लस वन कूलम। इस प्लस वन कूलम को आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे वापस आ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे वापस आ जाएगा। तो ये हुआ आपका स्टेबल। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमको ये प्रूफ करना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जीरो नहीं है, और नेट फ्लक्स अगर जीरो नहीं है तो उसके अंदर चार्ज जो इनसाइड प्रेजेंट होगा वो भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेट चार्ज जो इनसाइड प्रेजेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। और ये मैं इस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ जो टेस्ट चार्ज रखा है। अगर आप इसको यहाँ से हटा भी दोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फिगेशन ऐसा कैसे ही रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फिगेशन। बिना चार्ज रखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फिगेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फिगेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। सेकेंड, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ए सिंपल कॉन्फिगेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस। एक सिंपल वेरीफिकेशन करना है। इसमें दो चार्ज हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज भी क्या है, प्लस क्यू, ठीक। और यहाँ पे हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो मिड पॉइंट पे अगर मैंने कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज को अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो ये प्लस वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला प्लस वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये चार्ज भाग जाएगा। लेकिन अगर इस प्लस क्यू को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये वाला प्लस क्यू जो है वो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा के इसको वापस भेज देगा। यानी इस बात को समझो, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं और इस मिड पॉइंट की बात करें तो ये मिड पॉइंट बहुत ही अजीब सी पोजीशन है। एक डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। प्लस वन कूलम चार्ज अगर है, ये मान लिया टेस्ट चार्ज है वहाँ पे, तो एक डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन दूसरे डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसको क्या बोलोगे, ओवरऑल आप इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलोगे। स्टेबल वो होगा जो सभी डायरेक्शंस के लिए स्टेबल होगा। क्लियर। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता और अब मैं यहाँ पे प्लस वन कूलाम रखता तो क्या होता, तो प्लस वन कूलाम अगर इधर शिफ्ट करते तो ये चला जाता, लौट के नहीं आता, और आप इधर शिफ्ट करते तब भी चला जाता, लौट के नहीं आता, तो ये कैसी पोजीशन होगी, अनस्टेबल। लेकिन अगर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया होता तो ये वापस आ जाता, तो ये कैसी हो जाती है, स्टेबल पोजीशन। तो वही पोजीशन है, अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग तरह का बिहेवियर है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं सैडल पॉइंट, SADDLE, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक ही पॉइंट होता है, बट उस पॉइंट पे एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाती है और दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाती है।